जी सर, आरंभ होगी रिकॉर्डिंग, अब आरंभ कर सकते हैं। तो जी विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग सबों का पुनः एक बार इस ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में, जहां आप और हम पुनः एक बार आमने सामने आ चुके हैं अपने परिचित विषय विशेषज्ञ डॉक्टर विजल गौतम सर के समक्ष, जहां आज हम लोग पुनः एक बार चर्चा करेंगे विश्व साहित्य में उपन्यास के संदर्भ में। जहां पिछले कक्षा में हमने शुरुआत के दो इकाइयों पर चर्चा कर ली थी, आज उसी के बची हुई दो इकाइयों पर हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा कि चर्चा के दौरान अपने कृपया करके आप लोग अपने माइक को बीच में अनम्यूट न कीजिएगा, स्क्रीन पे कुछ शेयर न कीजिएगा, क्योंकि इससे दिक्कत होती है आपको भी और हमें भी। कई बार चीजें समझने में समझ नहीं आता कि स्क्रीन में क्या हो गया, ये भी एक दुविधा से बन जाती है। तो मुख्य रूप से आज हम लोग 19वीं सदी के यूरोपीय उपन्यास की हल्की फुल्की शुरुआती दौर में चर्चा की थी, आज विस्तृत रूप पे उस विषय पर चर्चा करेंगे। और 20वीं सदी के उपन्यास, जिसे आज के समय में आप और हम लोग पढ़ रहे हैं, मुख्य रूप से उन उपन्यासों में चर्चा करेंगे, किस प्रकार के उपन्यास है, उदय किस तरह से हुआ, क्या नई नवीन चीजें आई, उस पर चर्चा करने के लिए पुनः एक बार डॉक्टर अविचल गौतम सर हम सबके समक्ष मौजूद है। तो मैं सर का अपने विश्वविद्यालय आप सबों के समक्ष तरफ से, अपने विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से स्वागत करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ कि अपना समय देने के लिए, क्योंकि छुट्टी का समय है, सर भी घर पे है और जब भी मैं सर से समय मांगता हूँ सर तैयार रहते हैं अपना समय देने के लिए। तो आभार इसके लिए, तो पहले सर तहे दिल से आपका आभार और स्वागत है सर आपका, और आप अपने व्याख्यान शुक्रिया को आरंभ कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभिषेक जी, बहुत आभार। मित्रों, विश्व साहित्य में उपन्यास एक बहुत बड़ा फलक का विषय है, जिसको 4 यूनिट में, चूंकि हमें समयबद्ध तरीके से पढ़ना है, इसलिए बहुत ही कॉम्पैक्ट रूप में 4 इकाइयों में हमें दिया गया है आप लोगों को, जिसकी 2 इकाइयों पर चर्चा हम लोगों ने कर रखी है और अगली 2 इकाइयों की चर्चा आज हम करेंगे। यूरोप में, खास तौर से विश्व साहित्य की जब हम बात करते हैं, तो उपन्यास भी एक नई विधा है, जिसकी चर्चा हम कर चुके हैं। सर्वाधिक नई विधा के रूप में हमारे सामने उपन्यास आता है। तो थोड़ा सा 2 मिनट हम जो पिछली चर्चा हुई थी उसको समाप्त करते हैं समरी रूप में और फिर आगे बढ़ते हैं। हमने देखा था कि जो पुराना विश्व साहित्य में जो उपन्यास का उदय हो रहा था, तो अचानक से पहला कोई उपन्यास नहीं लिखा गया, उपन्यास जैसा कुछ लिखा गया था, तो धीरे धीरे उससे उपन्यास निकला। तो जो सबसे पहली प्रारंभिक वो औपन्यासिक यात्रा में जो यात्रा वृत्तांत या यात्रा की बहुस्तरीयता का जो मसला था, जो यात्राओं के रोचक वर्णन थे, उनको माना जाता है कि वो उसके मूल में थे। और सबको मालूम है कि इंग्लैंड का जो लोकतांत्रिक उभार था, जो इंग्लैंड की क्रांति हुई थी 1642 से लेकर 1648 तक चली वो क्रांति, और एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक उभार पूरे विश्व में इंग्लैंड की उस क्रांति को माना जाता है, जो वहाँ के राजा चार्ल्स प्रथम और व्यापारिक वर्ग और सामान्य जनता के मध्य हुआ था। तो उसका असर बहुत ज़्यादा था, क्योंकि पूंजी का वितरण उस तरह से हुआ, मध्य वर्ग का विकास हुआ, तो धीरे धीरे एक कहानियाँ जन्म लेने लगीं और धीरे धीरे उन कहानियों में से जीवन प्रस्फुटित हुआ। और धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा, आप जॉन बनियन का नाम पिछली बार हम लोग ले रहे थे, जिनका पिलग्रिम्स प्रोसेस पहला, उनका जो पहला एक एक तरह की एक तरह का ट्रैवलॉग है, यात्रा वृत्त है या यात्रा संबंधित उनका विवरण है, लेकिन पिलग्रिम प्रोसेस में वो सारी चीज़ें मिलती हैं जो एक उपन्यास की अवधारणा के रूप में हम आज देखते हैं, या उस उपन्यास की अवधारणा को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो वो लगभग वो सारी चीज़ें हमें पिलग्रिम्स प्रोसेस में मिलती हैं। और फिर हम धीरे आगे बढ़ते हैं, तो एक डेनियल डिफो का रॉबिन्सन क्रूसो नाम का एक उपन्यास, उपन्यास जैसी एक कृति 1720 में आती है, जो क्रूसो एक नाविक है जो एक द्वीप में फंस जाता है जाके, और फिर वहाँ का यात्रा वृत्तांत पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे। एफ्रा बेन नाम की एक महिला प्रखर रचनाकार उस दौर में हुई, जो किन्हीं कारणों से, एक तरह की साहित्य की राजनीति का कारण कह लें या राजनैतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रूढ़ियों के चलते कह लें,
एक स्त्री होने के नाते उन्हें उतना सम्मान उस दौर में नहीं मिला था जो बाद में लोगों ने देखा। रॉबिन्स क्रूसो से भी 20-22 साल पहले उनकी अफ्रा बेन नाम था उनका, उनकी एक कृति थी ओरू नोको, हम पिछली बार बात किए हैं इस पर। ओरू नोको एक बहुत जो आज हम ब्लैक और वाइट विमर्श की बात करते हैं, तो एक एक ब्लैक अफ्रीकन एक दास की कहानी है जो संघर्ष करता है वाइट से, जो संघर्ष करता है वहाँ के लोगों से, तो एक बड़ी रोचक सी कहानी है वो औरनों को। और उन्हीं का एक और बड़ी, चूंकि ये अफ्रा बेन जो थी वो बहुत दूरदर्शी महिला थी, बहुत आगे की, उनको कहा जाता है कि वो अपने ज़माने से 200 वर्ष आगे लिख रही थी। तो उनका एक प्रमुख एक और कृति है लव लेटर्स बिटवीन ए नॉवल मैन एंड हिज सिस्टर। तो ये हम इस पर चर्चा कर चुके हैं, सिर्फ हम समरी देना चाहते हैं कि ये सब कृतियाँ ऐसी थीं जो एक उपन्यास के उदय और उपन्यास को बेहतर स्वरूप देने के पीछे इन सब का बड़ा योगदान था। आपने हेनरी फील्डिंग की दो रचनाओं का नाम जिक्र पिछली बार सुना, जोसेफ एंड्रयूज और टॉम जोन्स, ये दो नॉवेल जैसी रचनाएं थी हेनरी फील्डिंग की। और स्टेंडहाल और बाल्जाक का नाम भी आपने सुना, जो फ्रांसीसी थे। फ्रांसीसी उपन्यास बहुत रोचक उपन्यासिक जगत था। स्टेंडहाल द रेड एंड द ब्लैक उपन्यास लिखा, बाल्जाक का नाम हम लोग ज़्यादा जानते हैं, बाल्जाक का बूढ़ा गोरियो उपन्यास बहुत चर्चित हुआ। और उसी क्रम में फ्लाबेयर हुए, फ्लाबेयर का मदाम बावे बोवेरी उपन्यास भी बहुत चर्चा में रहा। और धीरे 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 आप ये देखिए कि जोला, जोला एक बहुत बड़े उपन्यासकार थे फ्रांस में, उनके दो उपन्यास हम लोग ज़्यादा नाम सुनते हैं, नाना और थेरेसा रैकनन। तो रैकनन, तो ये दो उपन्यास जोला के थे जो उस समय फ्रांसीसी उपन्यास साहित्य में मील का पत्थर कहे जाते थे। तो ये कुल मिला के जो था वो 19वीं सदी के प्रारंभिक यूरोपीय उपन्यास थे, फ्रांस के और इंग्लैंड के, जो नॉवेल जैसे थे, उपन्यास जैसे थे, यथार्थ जैसे थे। आज हम 19वीं सदी के यूरोपीय उपन्यासों की चर्चा करेंगे, थोड़ा सा प्रौढ़ उपन्यासों की, या कह लीजिए कि थोड़ा मैच्योरिटी आ गई थी उपन्यास विधा में, ऐसे उपन्यासों पर चर्चा हम करेंगे। और 20वीं सदी के भी उपन्यास हैं, उन पर भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से क्या आ, आ, क्या किस किस तरह से बदलता गया और किन किन चीज़ों का प्रभाव हमें विभिन्न विश्व के परिदृश्य में उपन्यासों के संदर्भ में देखने को मिला। आपको याद होगा कि ये जो सबसे बड़ी घटना थी इंग्लैंड का लोकतांत्रिक उभार, उसका सबसे ज़्यादा असर फ्रांस पर पड़ा, इंग्लैंड पर पड़ा ही। उसके बाद जो ये फ्रांसीसी उपन्यासों में की जो एक धारा थी, एक चिंतन धारा थी, जो बहुत ज़्यादा कह लीजिए कि उसमें ताकत थी, एक तरह का प्रवाह था, उसका असर रूसी उपन्यासों पर पड़ा। और आप गौर कीजिए कि रूस को विश्व उपन्यास में एक तरह का बहुत बड़ा दर्जा मिला। और आप देख सकते हैं कि रूसी उपन्यासकार, आप सब लोगों ने बहुत सारे मैक्सिम गोरकी का नाम सुना होगा, इस तरह के अनेक रचनाओं का नाम, रचना टॉल्स्टाय का नाम आप लोगों ने सुना होगा, वो सब रूस के महान लेखकों की परंपरा, जो एक और इंग्लैंड की जो क्रांति थी उसका, उससे बहुत कुछ उन लोगों ने, बहुत बाद की बात है लेकिन फिर भी उससे बहुत कुछ ताकत उन्होंने ग्रहण की थी। और दूसरी ओर जो फ्रांस में जो लेखन की परंपरा थी, बहुत विशाल परंपरा थी, उसका असर भी हमें वहाँ देखने को मिलता है। तो आज हम अभी जो जो यूरोपीय उपन्यास का जो द्वितीय भाग है उस पर हम बात करेंगे, उसमें हम रूसी उपन्यासों पर बात करेंगे, जर्मन उपन्यासों पर बात करेंगे और इंग्लैंड के उपन्यासों पर भी बात करेंगे और कुछ बात हम अमेरिकी उपन्यासों पर करेंगे, और फिर 20वीं सदी के जो उपन्यास हैं उनकी भी चर्चा हम करेंगे।
दोस्तों जो ये अपना यूरोपीय उपन्यास का जो दूसरा भाग है, उसमें हम सबसे पहली बात रूसी उपन्यासों की करते हैं। रूसी उपन्यास जो है वो मूलतः फ्रांसीसी उपन्यासों का जो उभार था, जो एक तरह से जो रचनात्मक जमीन थी, उसका बहुत सारा असर रूस पर पड़ा। और 19वीं सदी के रूसी उपन्यासों पर आप ध्यान दीजिए कि ये बड़ी महत्वपूर्ण विधा के रूप में रूस में उभरा। आपने तुर्गेनेव का नाम सुना होगा, दोस्तोवस्की का नाम सुना होगा, टॉलस्टाय का नाम सुना होगा, मैक्सिम गोर्की। ये सिर्फ रूसी उपन्यासकार ही नहीं है, बल्कि इनको पूरा विश्व उपन्यासकार की संज्ञा भी मिली हुई, क्योंकि ये इतने बड़े रचनाकार थे, किसी देश के ही रचनाकार नहीं, पूरे विश्व साहित्य में इनका अप्रतिम योगदान है। हम सब इनसे बहुत परिचित भी हैं। इनके बहुत सारे उपन्यास हिंदी में भी उपलब्ध हैं। रूसी उपन्यासों पर विचार करते हुए इस बात पर ध्यान रखा जाना जरूरी होता है कि इन उपन्यासकारों की रचनाओं का तत्कालीन रूसी समाज पर बहुत बड़ा असर पड़ा था। इन रचनाकारों की रचनात्मकता और इन रचनाकारों की साहित्यिक प्रतिबद्धता के कारण ही जो रूस की क्रांति 1917 में घटित हुई, सोवियत क्रांति जिसको कहा गया, उसमें बड़ा योगदान था, या यूं कहें कि इन रचनाकारों ने उस सोवियत क्रांति को संभव बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आप इनको आप समझें। ये 19वीं सदी के जो रूसी उपन्यासकार रहे और उपन्यास रहे, वो हम पाते हैं कि वो वहाँ जीवंत लोक विद्यमान है। उनका संबंध रूसी लोक कथाएं इसलिए बहुत प्रचलित हैं, आप देखें रूसी लोक कथाएं, रूसी जनजीवन, रूस का सांस्कृतिक परिदृश्य, ये सारा कुछ हमारे जनजीवन की अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, और जिसका मुहावरा बेहद लचीला और परिवर्तनशील था, वो सारा का सारा उस साहित्य में परिलक्षित होता है। आप देखिए कि धीरे धीरे 19वीं सदी के समाज के शुरुआती दौर में ही, 1917 में ही, जब ये कह लीजिए 19वीं सदी का जब शुरुआत था, तभी धीरे धीरे उसमें परिवर्तन आना शुरू हुए। धीरे धीरे जो जारशाही थी, आप लोगों ने सुना होगा कि रूस में जारशाही प्रथा थी, राजा था जार, तो जारशाही के खिलाफ एक धीरे धीरे एक आंदोलन पनपने लगा। और वह आंदोलन का कारण जो था वो था कि जार और उसके दरबार तथा सामान्य लोगों के बीच जो आर्थिक शोषण हो रहा था, सामाजिक दमन हो रहा था, उससे जनता में और जारशाही शासन के बीच बड़ी दूरियां होने लगी। और इन दूरियों ने जो संवेदनशील मनुष्य था उसको सोचने की ओर अग्रसर किया, सोचने पर बल दिया। और संवेदनशील आदमी ने एक चीज देखी वहाँ कि जो धर्म का सिद्धांत है, धर्म चिंतन है वहाँ, जारशाही की ताकतों का मूल है उसे कहा जा सकता है, या यूं कहें कि वहाँ का धर्म जो था, वहाँ का क्या, किसी भी देश का धर्म जो है सत्ता के पक्ष की बात करता है, वही बात वहाँ भी थी। जो धर्म चिंतन था उसका पूरा आग्रह जारशाही को था, और इसके लिए सारे रूसी चिंतक और रचनाकार जो थे, वो चाहे उच्च वर्ग के हों, मध्य वर्ग के हों, निम्न वर्ग के हों, किसी भी वर्ग के रचनाकार रहे हों, वो सब संवेदनशील लोग थे। उन्हें यह बात समझ में आई, तब उन्होंने महसूस किया कि मनुष्य जीवन की आपदाओं का मूल कारण जो है वो समाज के भीतर ही सक्रिय राजनैतिक वैधानिक प्रणालियां हैं। उन्हें सबसे पहली बार यह आभास हुआ कि जो आम आदमी पीड़ित है, जो सामान्य व्यक्ति पीड़ित है, वह राजनैतिक वैधानिक प्रणालियों के कारण पीड़ित है। वो राजनैतिक वैधानिक प्रणालियां जारशाही नियंत्रण में थी, वही बनाती थी राजनैतिक प्रणालियां, और जो धर्म चिंतन था वो उनका सपोर्टर था। तो ये बात तो गौर करने की बात है कि उक्त प्रणालियों और सामान्य लोगों के व्यवहार में एक जुड़ाव दिखलाई पड़ा,
ये प्रणालियां अपनी तरफ से समाज में सक्रिय थी और सामान्य लोगों ने उन्हें स्वीकार करके अपने व्यवहार में ढाल लिया था। इस तरह एक तरह से संवेदनशील व्यक्तियों ने स्वयं को पूरे विकृत समाज के समक्ष विरोध की भूमिका के अंतर्गत खड़ा महसूस किया और धीरे 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 आप देखें कि संपूर्ण रूसी अराजकतावादी चिंतन के धुरी के रूप में यह बात सामने आई और इसने बहुत बड़ा एक तरह से आंदोलन खड़ा किया। और इन सब लेखकों ने मिलकर इतना बड़ा आंदोलन और वहाँ के सोशलिस्ट पार्टी और इन सब लोगों ने किया कि 1917 आते आते क्रांति करनी पड़ी और सोवियत संघ की क्रांति हुई और शासन जो है सामान्य जनता के हाथों में आया। तो ये एक पृष्ठभूमि थी जो रचना रचना की पृष्ठभूमि कही जा सकती है, जिसने रचना को बल दिया, जिसने साहित्य को बल दिया, जिसने साहित्य के लिए अनेक तरह की विषय वस्तु दी और उस विषय वस्तु में वैविध्यता दी, बहुत सारे विविध विषयों को, जीवन के बहुत सारे विषयों को शामिल करने की चिंतना उसमें डाली। तो इस रूप में जो रूसी औपन्यासिक संसार था वह समृद्ध हुआ। अब हम एक एक करके रूसी उपन्यासकारों, जो प्रमुख उपन्यासकार हुए हैं, उनकी औपन्यासिक दृष्टि और उनका उन पर कुछ बात हम करेंगे। रूस में जो सबसे पहले उपन्यासकार के रूप में आते हैं उनका नाम है तुर्गनेव। तुर्गनेव 19वीं सदी के प्रसिद्ध रूसी उपन्यासकार माने जाते हैं, जिन्होंने तत्कालीन समाज में जो वैचारिक परिवेश चल रहा था, जो जिसकी चर्चा मैंने ऊपर की, जारशाही और उसका जो संघर्ष था और वह धर्म चिंतन की जो सहमति थी और अन्य लोगों की जो पीड़ा थी, उसका जो द्वंद्व था, उस द्वंद्व को, उस वैचारिक द्वंद्व को अपने लेखन में सबसे पहली बार तुर्गनेव ने जगह दी। इसलिए रूसी कथा लेखन की आंतरिक प्रकृति को समझने के लिए वही परिवेश, जिस परिवेश को तुर्गनेव ने अपने उपन्यासों में जगह दी, वह महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। और दूसरी ओर लेखक की जो रचना धर्मिता है, वह परिवेश को ग्रहण करने की प्रक्रिया में स्वयं को सक्रिय तरीके से ढालती है, इसे भी समझना चाहिए। रूसी समाज के भीतर एक तरह की बेहद बेचैनी, दूसरी तरफ उपन्यास साहित्य रूप की दृष्टि पर्याप्त विकसित हो चुका था। रूसी उपन्यास का जो रूप था, फॉर्म था, उस समय बहुत डेवलप हो चुका था और जो उस समाज के भीतर एक बेचैनी थी, इन दोनों को वहाँ पर जो मध्यवर्ग के लोगों ने विशेष रूप से वह बेचैनी देखने को मिली, जो नैतिक रूप से समझने और प्रस्तुत करने में यकीन रखते थे, इस तरह बेचैनी को प्रभावी आकार देने में वे सक्षम थे। इसलिए तुर्गनेव ने अपने वक्त के वरिष्ठ कथाकार गोगोल और दुब्रोलियो बोव से सीख लिया था। तुर्गनेव के पहले वरिष्ठ कथाकार माने जाते हैं गोगोल और दुब्रोल्योबोव, ये नाम दो आते हैं। गोगोल का नाम अक्सर हम लोग जानते हैं, दुब्रोल्योबोव का नाम थोड़ा सा हमें कम सुनाई पड़ा, लेकिन हम गोगोल के नाम से परिचित थे। तो तुर्गनेव के ये बड़े वरिष्ठ लेखक रहे हैं गोगोल, उन्होंने उस रचना की जमीन उनसे सीखी और अपने नापसंद नापसंद की अपनी जमीन को समाज के अन्य व्यक्तियों द्वारा अपनाई गई विपरीत समझ का जो सिद्धांत है, उस रूप में तुर्गनेव मानते थे कि रचनाकार की अपनी अस्मिता होती है, जिसके बल पर वह पात्रों चरित्रों की अस्मिता की पहचान करता है और अपने पात्रों और रचना की आज़ादी देता है, पूरी रचना में उनको आज़ादी भी देता है। तो इसलिए रचना इस संश्लिष्ट वस्तु को सामान्य विचारक तथा लेखक समझ नहीं पाए, जिसके फलस्वरूप यह जो अवधारणा थी तुर्गनेव की, यह एक बड़ी संश्लिष्ट अवधारणा थी जिसको वहाँ के विचारक पहले समझ नहीं पाए। इसीलिए तुर्गनेव का जो उपन्यास था बाप और बेटी, फादर एंड हिज सन, ऐसा कुछ है अंग्रेजी का टाइटल, बाप और बेटे उसका हिंदी वर्जन है जो छपा भी है, तो वह बड़ा विवादास्पद रहा। आलोचकों का मानना था कि समाज में सबसे मूल्यवान वस्तु स्थायित्व, मानवीयता, कालसिद्धि, इन सब की संगति है, जबकि तुर्गनेव कहते थे कि संदेहशीलता और सुगबुगाहट को पहचानना
जरूरी है। जरूरी नहीं कि हम किसी विशेष नैतिकता या मानवीयता या काल सिद्ध कोई नियमावली की ओर ही हम निश्चित रूप से जाएं, हम संदेह भी कर सकते हैं। तो वो जो संदेह करने की जो बात थी, वो सबसे पहले तुर्गेनेव के रचनाशीलता में आई, और इस तरह से तुर्गेनेव अपने लेखन में हिंसा, असमानता पर, तीखे नकारवादी विचारों पर, निराशाजनक क्षोभ पर एक साथ नज़र रखे हुए थे और चाहते थे कि रूस का सामान्य शिक्षित पाठक इस नए वैचारिक तत्व से परिचित हो। इसलिए तुर्गेनेव को इसी चीज़ ने तुर्गेनेव को बेहद मानवीय और बहुत प्रासंगिक रचनाकार के रूप में हमारे सामने लाता है। तुर्गेनेव के बाद दोस्तोवस्की हुए, जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण रूसी उपन्यास लिखे। दोस्तोवस्की तुर्गेनेव से भी आगे जाकर मनुष्य की मनुष्यता और अस्मिता को इस तरह मानने लगे थे मानो जीवन में वह अकेली ही सब कुछ है। इस पर किसी तरह की बहस संभव नहीं है। थोड़ा सा ये एक्सट्रीमिस्ट थे, कह लीजिए दोस्तोवस्की तुर्गेनेव से ज़्यादा एक्सट्रीम में जाकर सोचते थे, और उन्होंने सब चीज़ों को लगभग धार्मिक संज्ञा दे दी। दोस्तोवस्की के उपन्यासों में अटल और गंभीर विश्वास के साथ जो चित्रित किया गया, वह धार्मिक उसे संज्ञा दी जाती है। दोस्तोवस्की में यह विचार नज़र आता है कि मनुष्य व्यवहार को अनदेखे, अनजाने, रहस्यमय तत्व से जोड़कर समझा जा सकता है, क्योंकि समाज की विकृतियों का संदर्भ लाने से मनुष्य की हानि होती है। दोस्तोवस्की का एक मानवीय पक्ष था। वो कहते थे हर चीज को रहस्य के तरह से हम देख सकते हैं। हम अगर यथार्थ के रूप में मनुष्य को जोड़ते हैं तो यह मनुष्यता की हानि होगी, यह मनुष्यता की नैतिकता या मानवता की निचाई होगी, उनकी मनुष्यता की एक तरह की हानि है। इसीलिए आप देखें अपराध और दंड, इनका जो उपन्यास था अपराध और दंड, वह दोस्तोवस्की में मानव हत्या का प्रश्न प्रस्तुत करते हुए बतलाते हैं कि निरर्थक अथवा समाज के लिए हानिकारक और अमानवीय जिंदगी जीने वाले व्यक्ति में भी मनुष्यता हो सकती है। यह पहली बार दोस्तोवस्की बता रहे थे कि अपराध करने वाले अपराधी के अंदर भी मनुष्य का हृदय हो सकता है। वे यह भी सोचते थे कि समाज या राजनीति से जुड़ा गंभीरतम विचार भी महत्व की दृष्टि से मनुष्यता का समकक्ष नहीं हो सकता। इस कारण अपराध का व्यक्ति पर ऐसा असर होता है, क्योंकि वह अपराध है, कि कोई भी विचार या व्याख्या व्यक्ति को संदेह और वेदना से उबार नहीं सकते। दूसरा इनका इडियट उपन्यास आया, जिसका हिंदी में बौड़म बौड़म नाम से उसका अनुवाद हुआ। उसमें वे मानव चरित्र की ऐसी परतें खोलते हैं जो संवेदन धर्मी शब्दों, बिंबों और चित्रों के माध्यम से पाठकों के लिए ग्राह्य बन जाती हैं। वो बहुत ही रोचक हो जाते हैं। इस उपन्यास का केंद्रीय पात्र जो बौड़म है, उसका केंद्रीय पात्र एक ऐसा सरल, भावुक और स्वयं में खोया हुआ व्यक्ति है जो आसपास की हर चीज को विस्मय से देखता है, बहुत आश्चर्य से देखता है। विस्मय, सौंदर्य, उलझन से प्रभावित रचना धर्मिता उस दृष्टि का आधार बनते हैं जिसे दोस्तोवस्की ने रचनाओं में अपने क्रिश्चियन रहस्यवाद से मंडित किया। यह रहस्यवाद काल्पनिक नहीं है, ध्यान रखना चाहिए, यह 19वीं सदी की रूस की सांस्कृतिक वैचारिक इयत्ता से जुड़ा हुआ है। जो सांस्कृतिक वैचारिक जो जो एक तरह का अस्तित्व था, उससे जुड़ा हुआ था यह रहस्यवाद का यह ठोस रूप आज भी अनेकानेक पाठकों और आलोचकों के लिए बहुत प्रेरणा का विषय बनता है। आप ध्यान रखिए, दोस्तोवस्की अपने समकालीनों से काफ़ी आगे जाकर मनुष्य और मनुष्य की आत्मा की आंतरिकता को पहचानने का काम करते हैं, मनुष्य को गरिमामय रूप से प्रतिष्ठित करने का काम करते हैं। साथ ही दोस्तोवस्की ने अपने ढंग से उन सभी विचारों का जवाब दिया जो रूसी मध्यवर्ग को नए संदर्भ में परेशान करते थे। देखिए, सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान वर्ग है तो मध्यवर्ग है। मध्यवर्ग के मन में ही अनेक तरह की शंकाएं हैं, अनेक तरह के प्रश्न हैं, अनेक तरह की चिंताएं हैं। तो उन सब का जवाब दोस्तोवस्की अपनी रचनाओं के माध्यम से देते हैं। तो इस तरह से तुर्गेनेव और दोस्तोवस्की के बाद सबसे बड़े महान उपन्यासकार और रचनाकार
का रूसी परिदृश्य में जन्म होता है, जिनको हम सब जानते हैं, टॉलस्टाय, टॉलस्टॉय हिंदी में कहते हैं इनको। तो जो टॉलस्टाय थे वो दोस्तोवस्की के बाद आते हैं, अब इन्हें समझना ये है कि तुर्गनेव और दोस्तोवस्की से किस प्रकार अलग है। तुर्गनेव और दोस्तोवस्की अपने वक्त की चिंताओं से बहुत परेशान थे। टॉल्स्टाय भी अपने समय की जो ठोस वस्तु स्थिति या यथार्थ था उसको महत्व देते थे, लेकिन नए परिप्रेक्ष्य में उसकी जांच भी करते थे। हूबहू उसको उस यथार्थ को अंकित नहीं करते थे, उसकी जांच परख अपने अपनी क्षमता के आधार पर करते हैं। यह आश्चर्य मिश्रित जिज्ञासा का विषय है कि दोस्तोवस्की ने जिस सवाल को रहस्य की शक्ल देकर पेश किया, टॉलस्टाय ने उसे समाज के सामान्य व्यक्ति के श्रम से जोड़कर देखा। दोस्तोवस्की सीधे सीधे मनुष्य को नहीं ला रहे थे, कहते थे कि हम अगर इस तरह मनुष्य को लाएंगे तो मनुष्य की हीनता होगी, तो इसलिए वो रहस्य से जोड़ रहे थे। लेकिन टॉलस्टाय का कहना था कि श्रम से जोड़ना, मनुष्य को लाइए और उसके श्रम से जब आप जोड़ते हैं तो ज़्यादा गरिमामय विधान से प्रस्फुटित होता है, वो ज़्यादा गरिमामय रूप में हमारे सामने आता है। तो इस रूप में आप देखिए कि सबसे पहले उन्होंने, टॉलस्टाय ने सामान्य व्यक्ति के श्रम को श्रम से उसे सामान्य व्यक्ति को श्रम से जोड़ कर देखा। और आप देखिए कि ये तीनों, तुर्गनेव हो या दोस्तोवस्की हो या टॉलस्टाय हो, ये किस वर्ग से आते थे। तुर्गनेव शिक्षित वर्ग से आते थे, उच्च शिक्षित वर्ग से आते थे, दोस्तोवस्की मध्य वर्ग से आते थे, लेकिन टॉलस्टाय का संबंध भूस्वामी वर्ग या जारशाही तंत्र से था। वो एक तरह से जारशाही तंत्र के बड़े करीबी थे, बड़े भूस्वामी थे, बड़े राजा की हैसियत वाले व्यक्ति थे, वहां से टॉलस्टाय आए थे। इसके बावजूद वे उस रहस्य पर चोट करते हैं जो उस सांस्कृतिक प्रश्न को धार्मिकता से पूरी तरह निकाल कर उसे सामाजिक बनाते हैं, जबकि दोस्तोवस्की उसे मध्यवर्ग के सवालों को जवाब के रूप में प्रस्तुत करते हैं, लेकिन तोलस्ताय का काम था कि हर प्रश्न को धर्म से निकाल कर सामाजिक प्रश्न बनाना, सांस्कृतिक प्रश्न बनाना, और साथ ही साथ उसे धार्मिकता से बिल्कुल अलग कर देना, उसे रहस्य से बिल्कुल अलग कर देना और उसे श्रम से जोड़ देना। यह सबसे बड़ा काम टॉलस्टाय का था, और ये एक तरह से गुणात्मक रूप में दोस्तोवस्की या तुर्गनेव से अपने को भिन्न रूप में प्रतिष्ठित किया। टॉलस्टाय ने न केवल समाज की बल्कि इतिहास की समझ भी अब बहुत गहरी थी टॉलस्टाय की, और जिसकी आप समझ उनकी रचनाओं में देखते हैं। रूस की धरती, वहाँ की प्रकृति, वहाँ की किसान जीवन, उसकी जो बिल्कुल सच्ची तस्वीर थी वह आपको देखने को मिल जाती है टॉलस्टाय के उपन्यासों में। प्रभुता संपन्न वर्ग में बड़े घराने में पैदा होने के बावजूद भी सरल किसान जीवन की दृष्टि से उपन्यासों में चरित्रों को मांझना, चरित्रों को जीवन देना, यह काम बहुत संवेदनशील व्यक्ति ही कर सकता था, जो काम टॉलस्टाय ने किया। टॉलस्टाय को हर रचनाओं में गांव पसंद आता है। आप देखिए उनका जो सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है वार एंड पीस, युद्ध और शांति, टॉलस्टाय का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है वार एंड पीस, जिसको हिंदी में युद्ध और शांति नाम दिया गया। उसका प्रमुख पात्र जब भी नगर जीवन के भीतर रहते हुए ऊब और नीरसता महसूस करता है तो वह कुछ महीने गांव जाकर रहता है। तो टॉलस्टाय का यह ग्राम प्रेम, जो गांव का प्रेम है, वो बहुत उनकी रचनाओं में नजर आता है, वो देखना चाहिए। और वह सरल दृष्टि, जो एक किसानी संस्कृति की समझ वाली दृष्टि से जीवन को देखने का नजरिया था, वह भी आपको टॉलस्टाय के यहाँ देखने को मिल जाएगा। गांव से लौटकर वह पात्र जो स्वयं को कृत्रिम दरबार केंद्रित संस्कृति का भार वहन करने में सक्षम पाता है, तो गांव जहाँ उनके रचनाकारों को नई ऊर्जा का स्रोत बनता है। तो धीरे धीरे आप देखिए कि 19वीं सदी के अंतिम दशकों में शांत जैसे महत्वपूर्ण विषय पर लिखने के लिए टॉलस्टाय को
इस ग्रामीण किसान के दृष्टिकोण से बहुत सहायता मिली। उसी के बल पर तोलस्टॉय देख पाए थे कि रूसी मानस को स्थायित्व और स्वाभाविकता और मनुष्य जीवन के भीतर निरंतर बहने वाली कविता की जरूरत है, और यह कविता ही वास्तव में जीवन शक्ति का वाहक है। टोलस्टॉय यह भी देख पाते हैं कि व्यापक रूसी समाज को मुख्य खतरा उस तंत्र से है जो दरबार के आसपास पैदा हो गया है, जिसे मानव समाज की स्वाभाविकता से कोई लेना देना नहीं है। तथाकथित आधुनिक शासन तंत्र और समाज व्यवस्था ने टोलस्टॉय में प्रतिक्रिया उत्पन्न की, इसके परिणाम स्वरूप गहरे स्तर पर रूसी समाज की अस्मिता से जुड़े। टोलस्टॉय की नज़र में यह आधुनिक श्रम के शोषण पर आधारित थी और अन्यायपूर्ण होने से इसमें संवेदन शून्यता घर कर गई थी। इस संवेदन शून्यता ने ही युद्ध जनित विभीषिका को जन्म दिया, जो पूरे समाज में एक चुनौती के रूप में हमारे सामने आती है। टोलस्टॉय एक और बेचैनी और समाजगत अनैतिकता को नया परिप्रेक्ष्य देते हैं, जिसका वर्णन तुर्गेनेव और दोस्ती के यहाँ देखने को मिलता है। तभी टोलस्टॉय ने अपनी पूर्ववर्तियों और समकालीनों की के स्थान पर अधिक स्पष्ट और मूर्त तस्वीरें अपने उपन्यासों में देते हैं। आप देखिए कि जो गहरी त्रासदी उनके रचनाओं में मिलती है वो आप अन्ना करेनिना में देख सकते हैं। इनका प्रसिद्ध उपन्यास है अन्ना करेनिना। गरिमावान पात्रों पर पड़ने वाली यह दोहरी मार ऐसे विध्वंसक का कारण बनती है कि तोलस्टॉय की जो कथा रचना है वो गहरी त्रासदी में डूब जाती है, और वह गहरी त्रासदी देखने को मिलती है अन्ना कैरेनिना में। और वह त्रासदी ऐसी थी कि जो मध्यवर्ग में आंतरिक प्रेरणा और अधीन मुक्त होने की जो मुक्तकामी चेतना थी, और उस चेतना और उन नियमों का मार झेलते हुए अनेक बार आंतरिक व्यथा से पीड़ित होकर नैतिकता तोड़ते हुए अपराधी की जो मनोभाव है, वो ऐसी त्रासदी आपको अन्ना कैरेनिना में देखने को मिल जाती है। टॉलस्टॉय के वर्णनों पर टिप्पणी करते हुए जास लुकाच ने कहा है, जास लुकाच बहुत बड़े यथार्थवादी आलोचक रहे हैं, उन्होंने कहा है कि यथार्थवाद का नया रूप टॉलस्टॉय के यहाँ उभरा है, या रूसी सांस्कृतिक संदर्भ में ही संभव था। टॉलस्टॉय से पहले रूसी उपन्यास में प्रकृतिवादी वर्णनों की परंपरा थी। उनके भीतर पाठक को या तो तीखे विचार मिलते थे, या फिर रहस्य मंडित विश्वास और नैतिकता मिलती थी। मैंने इसके कारण की ओर संकेत करते हुए ऊपर तुर्गेनेव के उच्च वर्गीय जीवन या दोस्तोवस्की के मध्यवर्गीय संवेदना का हवाला दिया है। तो इस रूप में हम तोलस्तोय को देख सकते हैं। तोलस्तोय को उपन्यास के भीतर एक कवि चित्रकार आदि न बनाकर साधारण प्रस्तोता के रूप में उस सादगी ने जो जिस सादगी का केंद्र रूस का जनजीवन था उसने बनाया। उनके उपन्यास इसीलिए आलेख धर्मी है, जहाँ रूसी जीवन के अनेकानेक विवरण आपको मिल जाएंगे, बड़े डिटेल्ड विवरण आपको मिलते हैं। यथार्थवादी फ्रांसीसी उपन्यास से अलग और दूसरी ओर पूर्ववर्ती समाज धर्मी उपन्यास थे। आप देखिए, आप आगे देखेंगे कि लुकाच इसी नए यथार्थवादी रूप की ओर रेखांकित करते हैं। तोलस्तोय के इतने प्रभावशाली और इतने साहित्य संपन्न विवरणों और उस उपन्यास को प्रतिष्ठा देने का जितना महान कार्य तोलस्तोय ने किया, उसका उस समय उस परिदृश्य में कोई सानी नहीं था। और इन सब के लेखन ने रूस की क्रांति को कह लीजिए कि संभव बनाया, उस रूसी क्रांति को होने में संभव बनाया। अब आप इसके तोलस्तोय के बाद एक नाम आता है मैक्सिम गोरकी का। सब जानते हैं गोरकी को, हम सब लोगों ने पढ़ा है, जानते हैं। तो रूस इस रूप में बहुत समृद्ध रहा है उपन्यासों के मामले में, और इतने बड़े उपन्यासकार जिसने दिए हैं। तो तोलस्तोय के बाद मैक्सिम गोरकी को हम उपन्यास के संदर्भ में देखते हैं। और मैक्सिम गोरकी की जो दृष्टि थी वो समाजवादी यथार्थवाद की दृष्टि थी, इसलिए कहा जाता है कि
उपन्यास आलोचना में गोरकी को समाजवादी यथार्थवाद का प्रयोक्ता बतलाया गया है। सबसे पहले समाजवादी सोशलिस्ट जो रियलिटी थी, सोशल रियलिटी आप कह सकते, उसको सबसे पहले हूबहू लाने का काम मैक्सिम गोरकी ने किया था। और यह उस वर्ग विचारधारा से जिसका संबंध है, गोरकी ने अपनी रचना में स्पष्ट रूप से इस समाजवादी विचारधारा को अपनाया। गोरकी की संवेदना को निकट से परखें तो वहाँ श्रमिक वर्ग का दमदार और प्रेरणादायी रूप पाएंगे। गोरकी एक और श्रमिक वर्ग की ऐतिहासिक भूमिका से परिचित हैं और मानते हैं कि मानवता का भविष्य केवल श्रमिक वर्ग के नेतृत्व में सुरक्षित है। दूसरी ओर गोरकी को यह भी पता है कि आधुनिक श्रमिक वर्ग समकालीन शोषण से संघर्ष करके उसे समाप्त करने में सक्षम भी है। देखिए, यह जो बात है कि वह शोषित भी है और शोषण को समाप्त करने में वह सक्षम भी है, वह श्रमिक वर्ग, यही बात जो है सोशलिस्ट क्रांति की, जो जो सोवियत क्रांति हुई, उसका आधार बनती है। गोरकी के उपन्यासों में वह शक्ति देखने को मिलती है जो रूसी व्यक्ति की ईमानदार मनुष्यता का प्रतिफल है। अब आप मैक्सिम गोरकी का सबने पढ़ा होगा, गोरकी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है माँ, तो माँ यानी मदर उपन्यास है वैसे अंग्रेजी में, तो उपन्यास है माँ। माँ आप पढ़िए तो माँ में पाठक का रूसी चरित्र इसी दृढ़ता से सामना होता है। आप उसी दृढ़ता को, उस ईमानदार मनुष्य की दृढ़ता को आप सामने पाएंगे इस उपन्यास में। यह पाकर अचंभा भी होता है कि जहाँ कभी भी नायक अपनी मध्यवर्गीय संवेदनशीलता के चलते अनेक बार हतोत्साहित होता है या उस उलझन में फंसकर निराश और परेशान भी होता है, वहाँ उसकी अशिक्षित माँ उसे समर्थन देकर थामती है। जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, संवेदनशील व्यक्ति अनेक तरह की निराशाओं में परेशान होता है, तो उसकी अशिक्षित माँ उसकी प्रेरणा बनती है, उसे थामती है, उसे पकड़ती है, उसे रोकती है, उसे संभालती है। उपन्यास की संरचना में माँ का यह पात्र रूसी दृढ़ता का प्रतीक बनता है। गोरकी ने इसी अपने लेखकीय परिप्रेक्ष्य को लेकर जरा भी संशयशील या अनिश्चित नहीं है, वे पाठक को समाजवादी भविष्य की मानवीय परिकल्पना के लिए तैयार करते हैं। रूसी कथा इस प्रक्रिया में तुर्गेनेव तथा तोलस्तोय से शुरू होती है और गोरकी की समाजवादी परिकल्पना से पुष्ट होती हुई 20वीं सदी के मध्य शोलोखोव की रचना से आप कह लीजिए कि उसे सार्थक रूप से जुड़ती है। तो यह जो तुर्गेनेव और आप दोस्तोवस्की, तोलस्तोय से जो शुरुआत मिली और गोरकी की समाजवादी परिकल्पना से 20वीं सदी में आप शोलोखोव नाम के एक रचनाकार आएंगे जिन्होंने बहुत बड़ी रचनाएं लिखी, उनमें उनकी परिणति आप देख सकते हैं। तो मित्रों, यह रूसी जो कथा साहित्य था या उपन्यास साहित्य, खास तौर से जो 19वीं सदी का था, वह बड़े बहुत महान रचनाकारों का दौर था और वह इतना प्रभावशाली रहा कि उसने रूस की क्रांति में बहुत सहायता की और एक तरह का वैचारिक माहौल और वैचारिक कह लें सांस्कृतिक जनजागरण का भी काम रूसी साहित्यकारों और उनके साहित्य ने किया था, जो 20वीं सदी के रचनाकारों में भी रूस के हमें देखने को मिल जाती है। बहरहाल, रूस के बाद हम जर्मन की तरफ बढ़ें, जर्मनी की ओर बढ़ें। जर्मनी अपने खास तौर से आपने देखा होगा कि जर्मनी जो है जर्मनी में आपने देखा होगा कि दर्शन हो, विचार हो, चिंतन हो, इसका सारा दारोमदार जर्मनी पर रहा है। जर्मन में ही सब बड़े चिंतक, विचारक, दार्शनिक हुए हैं, लेकिन उतने बड़े रचनाकार नहीं हो पाए जितने बड़े रचनाकार आपको रूस में मिले, आपको इंग्लैंड में मिले और आपको अमेरिका में भी मिलेंगे। तो उतने महान रचनाकार या महान साहित्यकार या महान उपन्यासकार नहीं मिले जितना अन्य जगह पर मिले। फिर भी कुछ आप 40 के दशक में
थॉमस मान और फ्रांज काफ्का वगैरह का नाम आपने सुना होगा। फ्रांज काफ्का को तो बहुत लोग पढ़ते हैं। ऐसे उपन्यासकार 20वीं शताब्दी में उभरे, लेकिन 19वीं शताब्दी में ऐसा जर्मनी का जो सांस्कृतिक परिवेश था वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो सांस्कृतिक परिवेश में उपन्यास की संभावना उस समय जर्मनी के संदर्भ में बहुत कम थी। अपने प्रारंभिक काल में रोमांसवाद का काल माना जाता है। जर्मन समाज ने अनेक प्रतिभाएं उत्पन्न की थी। आप देख सकते हैं गेटे का नाम, गेटे बड़े प्रसिद्ध जर्मन विद्वान हुए। गेटे आलोचना में बड़ा उनका नाम है। वो सर्वोपरि रूप में सामने आते हैं। आप 18वीं 19वीं सदी के संधिकाल में गेटे ने अपनी कथा रचनाओं के माध्यम से ऐसी मानववादी नैतिक दृष्टि विकसित की जिसकी मिसाल पूरे यूरोपीय लेखन में मुश्किल से मिलेगी। गेटे ने यंग वर्थर तथा अन्य उपन्यासों में, उनके जितने भी यंग वर्थर के अलावा भी जो उपन्यास थे उनमें मानवीय संबंधों को एक साथ प्रकृति तथा समाज की नज़र से परखा और पाया कि मानव चेतना का काम इतिहास में हस्तक्षेप करते हुए सुंदर और काम में सृष्टि करना है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें थीं जो गेटे कर रहे थे। गेटे ने एक ओर अपनी जड़ परंपरा पर प्रहार भी किया, नैतिक व्यवहार को नए ढंग से परिभाषित भी किया, उसे व्याख्यायित भी किया, और गेटे ने प्रकृति को मनुष्य व्यवहार के भीतर देखा। उनके गेटे कहते हैं कि प्रकृति मनुष्य के नैतिक संसार का अभिन्न हिस्सा है, उसे बल प्रदान करती है। यह देखना चाहिए कि परंपरावादियों को यह मान्य न था, यह बिल्कुल मान्यता नहीं थी। वो चाहते थे कि प्रकृति को परंपरा के लिए हानिकारक मानते थे, लेकिन गेटे द्वारा परंपरा पर जितने प्रहार किए गए वो धीरे धीरे धर्म प्रहार में बदल गए। परंपरा पर जब हम प्रहार करते हैं तो धीरे धीरे वो धर्म परंपराओं में, धर्म कह लीजिए कि धर्म पर की गई चोट के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। बहरहाल आप देखिए कि इनका असर जो था वो आमतौर पर समृद्ध अंग्रेजी उपन्यासों की प्रेरणा आप मिल देख सकते हैं। इनमें इनमें काफ़ी यांत्रिकता देखी गई। जिन लेखकों ने विशेष रूप से जर्मन कथा को समृद्ध किया उनमें आप हीनरिक वॉन क्लीस्ट का नाम ले सकते हैं, गोट फ्राइड कैलर का नाम ले सकते हैं, जॉर्ज बकनर का नाम ले सकते हैं, स्टिफ्टर का नाम ले सकते हैं, रिल्के का नाम ले सकते हैं। रिल्के का नाम बहुत सुना होगा आप लोगों ने, तो वहाँ आप रिल्के का भी नाम ले सकते हैं। जो बहुत उल्लेखनीय है जर्मन उपन्यास लेखन में, इन लेखकों ने अपने तत्कालीन समाज को समझने में और अनेक महत्वपूर्ण पक्षों को समझने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी, और जिसे आप देख सकते हैं उनके रचना में और अन्य इनके साथ ही साहित्य के अन्य विधाओं में भी वो सब बड़े निरंतर रूप से लिख रहे थे। तो जर्मन के बारे में हमने देखा, और उसके बाद हम 19वीं सदी के अंग्रेजी उपन्यासों पर कुछ बात करेंगे। तो जो अंग्रेजी उपन्यास आपने पीछे देखा कि स्टेंडाल, बाल्जाक, दोस्तोवस्की या तोलस्तोय जैसे कथा लेखक तो वहाँ नहीं है, लेकिन वहाँ अंग्रेजी लेखकों में खास बात थी कि वहाँ विषय वैविध्य बहुत था। वहाँ परिवर्तन की जो भावना बहुत ज़्यादा तीव्रतर थी वह एक तरह से पाठकों को अपने तरफ चमत्कार के साथ जोड़ती भी है और पाठक को उत्साहित भी करती है। तो वह उस रूप में हमें सामने आती है। आपने इंग्लैंड में 19वीं सदी की कथागत विविधता आप देखिए कितना वैविध्य है वहाँ, तो आपको समझ में आ जाएगा। इस संबंध में चार्ल्स डिकेंस का नाम हम लेना चाहते हैं। चार्ल्स डिकेंस के जो उपन्यास थे वो बड़े यथार्थवादी उपन्यास थे। चार्ल्स डिकेंस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। तो डिकेंस का महत्व ये था कि वह पूरा समाज, समाज के सब हिस्से अपनी निकटता और मूर्तता में उनके यहाँ उपस्थित होते हैं। डिकेंस सामान्य अंग्रेजी आलोचना में अगर देखें तो डिकेंस में भावुकता नजर आती है। इस भावुकता को इंग्लैंड में कमजोरी माना जाता है। समझा जाता है कि जो लेखक भावुक है वह समाज की गहरी समझ विकसित करने में असमर्थ होता है। यह विचार की अजीबो गरीब व्याख्या भी है। हाँ
अंग्रेजी आलोचना यह नहीं देख पाती कि भावुकता और भावुकता में फर्क है। एक भावुकता वह होती है जहां आप इंसानियत के सदियों से संजोए हुए महत्वपूर्ण मूल्यों को अपनी आंखों के सामने समाप्त होता देखकर खिन्न हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और उन पात्रों के लिए स्नेह से भर उठते हैं जो वर्तमान में भी कहीं उन मूल्यों से प्रभावित परिचालित हैं। अब ये पात्र कैसे थे और उनका क्या मामला था? तो आप देखिए कि चार्ल्स डिकेंस के जो पात्र थे वो मूल क्रिश्चियन भावना, मूल क्रिश्चियन जो भावना थी उससे भरे हुए हैं, उसके उदाहरण हैं जो प्राचीन इतिहास में मनुष्यता का समानता केंद्रित सपना बनकर उभर कर हमारे सामने आ रहे थे। आप देखिए कि डिकेंस अपने समाज की पूरी प्रणालियों को दृष्टि के केंद्र में ले आते हैं और तब पाठक को यह दिखलाते हैं कि जहाँ दमन है, त्रास है, आपाधापी है और संवेदन शून्यता है, वहाँ उसका निर्माण आप कह लीजिए कि डिकेंस के उपन्यासों को पढ़ते हुए आप लगाते हैं। पूंजीवाद की इससे विभिन्न रूपों में जितनी आलोचना डिकेंस में मिलती है वैसी संभवतः विश्व में किसी लेखकों में आपको देखने को बहुत कम मिलेगी। कथा के भीतर ही डिकेंस के आलोचना विस्तार की कल्पना आपको चकित करेगी। वहाँ आपको कारखाने के आसपास का त्रासद जीवन तो नजर आएगा ही, लेकिन साथ ही आपको राजसत्ता के विभिन्न रूपों से भी सामना होगा। आप एक और इस परिप्रेक्ष्य में सरलता और स्नेह का तर्क अपने आप ही मधुर और भावुक लगने लगता है। इस रूप में डिकेंस की जो कल्पना है वह पूरी व्यक्तियों की पूरी मानसिकता को भी विस्तार देती है और उसे विस्तृत करती है। डिकेंस की मूल्यता इसमें भी निहित है कि वे अपने उपन्यासों में एक के बाद एक जीवंत पात्रों का परिचय कराते हैं, यानी इनका रचना संसार बहुत व्यापक है और जो पात्र आते हैं वो किसी एक खांचे, एक खास तौर से बने बनाए ढांचे के नहीं होते। उनमें बहुत सारे, कोई गांवों का पात्र है, कस्बों का है, जेलों का है, अपराध तंत्र का है, या इस तरह के बहुत सारे पात्र, बहुत सारी कहानियां उनके रचना में, उनकी रचना धर्मिता में आती हैं और जो बेहतर उपन्यास की शक्ल में हमारे हमारा हमसे परिचय कराती हैं। चार्ल्स डिकेंस के बाद जॉर्ज इलियट और हार्डी का उपन्यास लेखन में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जॉर्ज इलियट का नाम आप लोगों ने सुना होगा और हार्डी का नाम सबने सुना ही होगा। दोनों ही मुख्य रूप से इंग्लैंड और दोनों के उपन्यासों में इंग्लैंड के गांव और कस्बे आपको देखने को मिलेंगे। दोनों में किसान जीवन से जुड़ी कर्मठता और सादगी दिखेगी। जॉर्ज इलियट उस सादगी को क्रिश्चियन रहस्य से मंडित करती हैं, जबकि हार्डी इसे मानव धर्मी विचार की मदद से वेदना और तिखी खिन्नता का विषय बनाते हैं। जॉर्ज इलियट स्त्री हैं और हार्डी पुरुष लेखक हैं। आप इस रूप में, लेकिन इस लोक में किसी अन्य अस्तित्व की छाया देखना अनुचित होगा। 20वीं सदी का जो मार्क्सवादी आलोचक आर्नोल्ड कैटल ने हार्डी में किसान जीवन और उत्पादन के ध्वस्त होने का उल्लेख किया है, वहीं हार्डी एक पूरे वर्ग की पीड़ा और हताशा को देखकर बेचैन होते हैं और वह बेचैनी आप उनके साहित्य में, उनके उपन्यासों में देख सकते हैं। और जिसका कह लीजिए कि पूंजीवाद के लिए जो जुगुप्सा कारक है, जो आसपास उम्मीद की किरण देखकर बहुत त्रासदिक भावना से भर देने वाली है, ऐसी रचनाएं, ऐसी विषय वस्तु उनकी रचनाओं में हार्डी की देखने को मिलती है। अंग्रेजी उपन्यास में यथार्थवादी लेखन की एक लंबी परंपरा आपको मिलेगी, वो चाहे स्कॉट हो या वाल्टर, आप वाल्टर स्कॉट का नाम सुना होगा। स्कॉट में यद्यपि कुछ परिचित ऐतिहासिक पात्र तो हैं, लेकिन उनके साथ ही अनेक ऐसे सामान्य लोग भी उनके यहाँ आ जाते हैं जो अपने समय की सच्चाई को अभिव्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार वाल्टर स्कॉट की रचनाओं से ही प्रसिद्ध फ्रांसीसी उपन्यासकार बाल्जाक ने प्रेरणा ली और उपन्यासों में इतिहास को प्रस्तुत करने का जो बीड़ा उठाया आपने बाल्जाक के यहाँ देखा ही। अंग्रेजी उपन्यासों में जो नारी, स्त्री चेतना का उभार आपको देखने को मिलता है वह एक नई बात थी। आप 5 महत्वपूर्ण उपन्यासकारों का नाम इंग्लैंड के
अगर आप देखें, चाहे वाल्टर स्कॉट हो, जेन ऑस्टिन हो, चार्ल्स डिकेंस हो, जॉर्ज इलियट हो, थॉमस हार्डी हो, इनके साथ एमिली ब्रांटे का नाम भी जोड़ा जा सकता है, यद्यपि उसने केवल एक उपन्यास लिखा है। कुल मिलाकर अगर इन छह लोगों के बारे में बात करें तो हमारा ध्यान इस ओर जाना चाहिए कि इन छह उपन्यासकारों में तीन स्त्रियां हैं, जेन ऑस्टिन, जॉर्ज इलियट और एमिली ब्रांटे। ये तीन स्त्रियां हैं, तीनों को ही अपने जीवन काल में अपने लेखक होने का तथ्य छुपाना पड़ा, क्योंकि उस समय स्त्रियों को लेखक, स्त्री लेखक के रूप में मान्यता उस रूप में नहीं थी। उन लोगों ने काम किया, क्या किया, उन्होंने अपने उपन्यासों के साथ पुरुष नाम छपवाए, अपने को पुरुष रूप में प्रस्तुत किया। अर्थात न ये स्त्रियां उपन्यासकार के रूप में आगे आना चाहती थी और न ही स्वयं को लिखने से रोक सकती थी। ये बड़ी द्वंद्वात्मक स्थिति थी जिसकी बात आप यहाँ देख सकते हैं, कि वो स्त्रियां होते हुए भी अपना नाम छिपा रही थी, यानी वो लिखने से अपने आप को नहीं रोक रही थी, लेकिन अपने को इस उपन्यासकार के रूप में सामने भी नहीं लाना चाहती थी। वो जेन ऑस्टिन हो, जॉर्ज एलियट हो, एमिली ब्रांटे हो, ये अपने उस तथ्य को छिपा रही थी कि वो स्त्रियां हैं। तो इस तरह से आप देखिए कि इंग्लैंड में सामाजिक उभार इस तरह का था कि अनेकानेक स्त्रियां सपने देखती थीं और डरती थीं, प्रतिरोध भी करती थीं, उसकी भी कायल थीं और परिवेश के आंतरिक तर्क को भी जानती थीं, उनसे सरोकार रखती थीं। विवाह और प्रेम से शुरू करके वे नारी अस्तित्व के गहरे जो त्रास, क्रोध, भय आदि तमाम विषयों पर वो सोचती थी। वो बहुत गहराई से नारी अस्तित्व के विषय में चिंतन कर रही थी और उन्हें जान रही थी। उन्हें यह पाकर भी परेशानी होती थी कि नैतिकता खासतौर पर नारी वर्ग का दमन करती है। धर्म को लेकर भी वे चिंतित थी, क्योंकि धर्म जो है किसका पोषक है हम सब जानते हैं। तो इन सब जुड़े सवालों का संतोषजनक उत्तर देने में वो सक्षम न था। वैसा समाज इन सरोकारों और सवालों के बीच में निरंतर नारी व्यक्ति की अस्मिता और पहचान का मसला उठाती रही और स्पष्ट रूप से पाठक को इस गहरी सामाजिक जरूरत से भी अवगत कराया। तो आप इसको इस चेतना को, इन छह रचनाकारों में तीन रचनाकार स्त्रियां थीं, और उनकी चेतना को इन गहरे जो सरोकार के विषय थे उनके रूप में आप देख सकते हैं। हमारे समय के प्रसिद्ध आलोचक एडवर्ड सईद ने ऑस्टिन द्वारा लिखित उपन्यास मैंसफील्ड पार्क में, जो ऑस्टिन का उपन्यास है मैंसफील्ड पार्क में, वह शोषण की तस्वीर दिखाई देती है जिस पर इंग्लैंड के उच्च वर्ग की समृद्धि आधारित थी। एमिली ब्रांटे ने अपनी एमिली ब्रांटे की जो कृति है वह है वुदरिंग हाइट्स में भी भाषिक और विचारधारात्मक संरचना के सूत्र ग्रहण करके ईसाइयत पर तीखा और अकल्पनीय प्रहार किया तथा उसके लबादे में छिपी इंग्लैंड के उच्च वर्ग की अमानवीयता को दिखलाया। जॉर्ज इलियट ने भी रचना के भीतर, आप देखिए कि वस्तु रूप में सक्रिय पात्रों को धर्म और नैतिकता का विरोध करते हुए चित्रित किया। उन्होंने अपने मिडिल मार्च उपन्यास में बेहद नीति परायण युवती को, जो सन्यासिनी बनने का सपना देखती थी, उसको विवाह का निर्णय लेते हुए दिखलाया है। यह उस नारी चेतना को प्रतिबिंबित करता है जो तत्कालीन समाज में सुगबुगा रही थी, उसकी सुगबुगाहट को हम पहचान सकते हैं। यही नहीं, उससे आगे वह विवाह में युवती यौन असंतोष की पीड़ा भी झेलती है। यह कुल मिलाकर अपने अपने समय से आगे का उपन्यास कहा जा सकता है। और इस प्रकार से वह अपने परिवार में अपने पति के भतीजे के प्रति आकृष्ट होती है। पति की मृत्यु के उपरांत वह पति के भतीजे से विवाह भी करती है। और इस तरह कहने का तात्पर्य हम यह है कि इंग्लैंड के उपन्यास लेखन में इस तरह नारी चेतना, नारी अनुभव की उपस्थिति पूरे विश्व उपन्यास में बहुत बेजोड़ रूप में हमें दिखाई देती है। जो एक ओर समाज, नैतिकता और धर्म के विरोध खड़ी होती है, दूसरी ओर अपनी अस्मिता के प्रति आग्रह भी दिखलाती है, जो हमें देखने को मिलता है। आप देखिए कि इस तरह से धीरे धीरे हमने देखा इस पूरे गतिशीलता के दौर में कि 19वीं सदी के रूसी, जर्मन और अंग्रेजी उपन्यास लेखन के महत्व को समझने की कोशिश हमने की, और इन तीनों उपन्यास धाराओं में
यूरोपीय जीवन के अंतर विरोधों को भी हमने देखा, और साथ ही उपन्यास में हमें सच से अवगत भी हमें होना पड़ा कि पूंजीवाद अलग अलग तरीकों से बढ़ रहा था। वो जर्मन में अलग तरीके से था, रूस में अलग तरीके से था, और इंग्लैंड में अलग तरीके से अपने पांव पसार रहा था। और पूंजीवाद का जो प्रसार था वह एक ओर चमक पैदा कर रहा था और एक ओर समाज में ऐसा अमानवीय चेहरा भी समाज का हमें दिखा रहा था जो बहुत ही मानव व्यथा केंद्रित था। तो कुल मिला के आप देखें कि धर्म, आध्यात्मिक सरोकार, जड़ परंपरागत मूल्यों को गहरी चुनौती भी आप इस समय के उपन्यासों में आप देख सकते हैं, जो कि पूरी तरह से एक रूसी हो, जर्मन हो, फ्रांसीसी हो या इंग्लैंड हो, औपन्यासिक उभार की बात आपको दिखाई देती है। और इन विषयों के साथ, इन बिंदुओं के साथ वह पूरा कथा साहित्य हमको बहुत ही महत्वपूर्ण और अपने समय और सरोकार से जुड़ा हुआ दिखाई देता है, जिसने 20वीं और 21वीं सदी के साहित्य को या उपन्यास लेखन को एक मजबूत आधार दिया, यह हम आज कह सकते हैं। तो बहरहाल अब 19वीं शताब्दी के उपन्यासों पर चर्चा हो चुकी, अब हम आगे 20वीं शताब्दी के उपन्यासों, 20वीं सदी के उपन्यासों पर चर्चा करेंगे, जिसमें हम अमेरिकी उपन्यासों पर बात करेंगे, उसके साथ साथ हम जो युद्ध की विभीषिका और तीसरी दुनिया से संबंधित उपन्यासों की चर्चा करेंगे। ध्यान रहे कि जो 20वीं शताब्दी का उपन्यास लेखन है उस पर विश्व युद्ध का बड़ा प्रभाव है। वो पहला विश्व युद्ध हो और दूसरा विश्व युद्ध हो, वो पूरा जो लेखन है वो उस कह लीजिए कि उस विभीषिका, उस पूरे उस दंश को वह एक तरह से उस उपन्यास लेखन ने, 20वीं शताब्दी के उपन्यास लेखन ने अपने आप में आत्मसात किया और उस पूरी व्यथा को, उस पूरी अमानवीयता को और उस पूरे अस्तित्व के विमर्श को हमारे सामने खड़ा करता है। तो अब हम 20वीं शताब्दी के अमरीकी उपन्यासों की चर्चा करेंगे। अमरीकी उपन्यासों की पृष्ठभूमि अगर हम समझें तो अमेरिका कह लीजिए कि सबसे मतलब कम उम्र का देश है। इंग्लैंड का ये एक तरह की कॉलोनी थी, उपनिवेश था, जैसे भारत था इंग्लैंड का, वैसे ही अमेरिका। तो अमेरिका को भी वहाँ जब आज़ादी मिली 19वीं सदी के शुरुआत में कह लीजिए, तो अमेरिका जब स्वतंत्र हुआ तो वहाँ सबसे बड़ी चीज़ थी कि वहाँ अनेक अपने भारतीय संदर्भ में कहें तो अनेक जाति और धर्म और संप्रदाय के लोग थे, इसलिए अमेरिका के संबंध में कहें कि अनेक वर्गों के लोग इकट्ठे थे वहाँ। बहुत सारे ब्लैक थे, बहुत सारे वाइट थे, बहुत सारे अफ्रीकन थे। तो अमेरिका बहुत ही, जब उपन्यास लेखन वहाँ शुरू हुआ तो अमेरिकी उपन्यासों, अमेरिकी आज़ादी को बहुत समय नहीं हुआ था, धीरे धीरे उस आज़ादी ने भी, वो जो उपन्यास लेखन था उस आज़ादी में भी उसकी भूमिका रही है। और वहाँ का नेतृत्व जो था वो परिवर्तन के ऐसे मोड़ पर था जहाँ बहुत सारी समस्याएं थी, लेकिन स्वतंत्रता युद्ध के बीच विकसित हुई क्रांति धर्मी चेतना ने ऐसे मानस का भी निर्माण कर लिया था जो अत्यधिक तर्कशील, इहलौकिक और मनुष्य केंद्रित थी। 19वीं सदी के अमेरिकी मनुष्य को लगता था कि समस्याएं चाहे जितनी बड़ी हों उनसे पार पाना संभव भी है और जरूरी भी। यही जो अमेरिकी मनुष्य की जो चेतना थी उसने बहुत सारे संदर्भों में अपने को एक तरह से अपने को समस्याओं से निकाला और संभव बनाया विकास की दिशा में चलने के लिए। व्यक्ति केंद्रित धार्मिक नियमावली जो थी वो 19वीं सदी में बेहद रूढ़ हो चली थी। आप देखिए कि नैतिकता, ईसाई नैतिकता, पाप पुण्य, दंड विधान, शुद्धतावादी आचरण, आत्मदमन, इनको आदर्श पर परखा जाता था।
इसमें व्यक्ति ऊर्जा, सहजता, सरलता और स्वाभाविकता के लिए कोई स्थान नहीं था। 19वीं सदी के भीतर इस व्यवहार नियम का विरोध रोमन कैथोलिक सामाजिकता के बल पर होता है। जाहिर है कि दोनों ही गलत थे, अपने अपने रूप में दोनों ही गलत थे। अमेरिकी कथा की इन दोनों व्यवहार नियमों को परखने का बीड़ा उठाया और समाज की जटिल तस्वीर पेश की। इस जटिल तस्वीर का प्रभावी चित्रण जिन दो उपन्यासकारों में मिलता है वे हैं हार्थन और मार्क ट्वेन। आपको अमेरिका में हार्थन और मार्क ट्वेन के उपन्यासों में वह उस जटिल तस्वीर को आप देख सकते हैं जो मानव के व्यवहार नियमों को परखने का एक तरह से जिन्होंने एक दस्तावेज दिया। हार्थन की दृष्टि समस्या मूलक और त्रासदिक है, लेकिन त्रासदी में उसकी द्वंद्वात्मकता और जटिलता में वे समाज और मानव मन की पीड़ा का, मनुष्य की ऊंचाइयों और कमजोरियों का गहन चित्रण प्रस्तुत करते हैं। वहीं रक्तवर्णी अक्षर में विवाहित स्त्री और प्रेमी के संबंध का वर्णन एक साथ व्यक्ति केंद्रित आकर्षण, समाजगत संवेदन शून्यता, धार्मिक रूढ़िवादिता और प्रकृतिगत सरलता के बीच विद्यमान खींचतान का प्रतीक बन जाता है। आप देखिए कि जो हार्थर का जो रूढ़िवादिता और रोमांटिक विचार का टकराव उपन्यास में एक तरह की तीखी व्याख्या का विषय बनता है। मनुष्य में जो रहस्यात्मक आयाम छूकर जो प्रेरणादायी या वरेण्य चीजें थीं, वो हार्थन इस त्रासदी को जिस तर्क के आधार पर विकसित करते हैं वह मनुष्य धर्मी और सामाजिक है। या उस समय कल्पना करना मुश्किल है कि उक्त समाज की विकटता और कठिनता के सामने कोई विनोदप्रिय भी हो सकता है। आप देखिए कि मार्क ट्विन जब आर्थर ऐसा काम कर रहे थे तो ऐसी स्थितियों में मार्क ट्विन जो है वो विनोदप्रिय रूप में हमारे सामने आते हैं। कुछ अर्थों में मार्क ट्विन का मानव समर्थक नायक अमानवीय संस्थाओं और विचार प्रणालियों के सक्रिय विरोध में खड़ा होकर हॉथर्न की त्रासदिकता का रूपांतरण कर देता है और उसे करुणा में बदल देता है। हम ट्विन को जितना पढ़ते हैं उतना ही चकित और प्रसन्न होते हैं और साथ ही यह जानते हैं कि ट्विन निरंतर दास प्रथा को, रंग भेद को, सामाजिक असमानता को अपनी आलोचना का लक्ष्य बनाते हैं। लेकिन ट्विन के जितने प्रशंसक थे उतने ही विरोधी भी थे, क्योंकि ट्विन को दमन, वैचारिक रूढ़ी परंपरा आदि से नफरत थी। ये चीज़ें आपने ट्विन के उपन्यास हकलबरी फिन में पूरे प्रभाव के साथ देख सकते हैं। ट्विन का उपन्यास है हकलबरी फिन। और इन ट्विन और हाथर्न के अलावा जो तीसरा महत्वपूर्ण उपन्यासकार है वो हरमन मेलविन ने अपने उपन्यास मोबी डिक ऐसी कथा का उदाहरण दिया जाता है जो समकालीनों के निस्बत किंचित अधिक जागरूक थे। वे समाज के भीतर होने वाले परिवर्तनों को बार बार अपनी रचना का विषय बनाते हैं। समाज और इतिहास के भीतर विकसित मिथकों को भी मेलविल की खासियत यह थी कि वे सामान्य लोगों की जीवन पद्धति में महामानों की कल्पना करते थे और इस तरह अमरीकी मानव की क्रांतिकारिता की ओर निरंतर ध्यान खींचते थे। तो इस प्रकार आप देखिए कि मार्क ट्विन हो, हार्थर हो या मेलविल हो, इनके उपन्यास में एक तरह का विरोध भी था और एक तरह की वो सारी मनुष्यता के पक्ष में खड़ी होने वाली वो सरलता, बेबाकी और ईमानदारी भी थी जो तत्कालीन अमेरिकी समाज की पैदाइश थी। तो इस प्रकार से 20वीं शताब्दी के उपन्यास साहित्य पर हम यूरोपीय अमेरिका कह सकते हैं कि 20वीं सदी का उपन्यास साहित्य यूरोप और अमेरिकी कथा का स्वर्णिम काल है। इस काल में आप देखिए कि 20वीं सदी के प्रसिद्ध मार्क्सवादी आलोचक रैल्फ फॉक्स का नाम सुना होगा। रैल्फ फॉक्स ने अपनी पुस्तक उपन्यास और लोक जीवन में उपन्यास को महाकाव्य के समक्ष रखते हुए उसे आधुनिक युग का महाकाव्य कहा है, जिसकी बात हम लोग अक्सर करते रहते हैं। अब 20वीं शताब्दी में जो यूरोपीय और अमेरिकी उपन्यासों का स्वर्ण काल कहा जिसे कहा जाता है वह 20वीं सदी के सबसे बड़े विषय जो थे वो थे प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण था।
हम प्रायः युद्धों को विभीषिका नहीं मानते, बल्कि आदर्शों की दिशा में प्रवृत्त सामूहिक क्रिया मानते हैं। चाहे मध्ययुगीन युद्ध हो, चाहे बाद के, उनमें मनुष्यता को कुछ न कुछ सही और प्रेरक नजर आया है। परंपरागत अर्थ में युद्धों के माध्यम से अनेक समाज, कबीले, क्षेत्र या देश अपना भाग्य अजमाते थे और इस प्रकार से अपने को कार्य रूप देते थे। तीसरी दुनिया के बहुत सारे देशों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और तमाम अपने गुणों और मूल्यों को विकसित होते हुए देखा। तो यह पूरी कह लीजिए युद्ध को जो विभीषिका और त्रासदी और विध्वंस और इस तरह के अन्य विशेषणों से क्यों जोड़ा गया, यह सवाल उस समय के तत्कालीन रचनाओं को पढ़ने से हमें समझ में आता है कि कोई भी युद्ध जो है वो किसी भी विकास को या किसी भी उन्नति को कह लीजिए कि देने वाला नहीं हो सकता। युद्ध का एक पक्ष भले ही चमकदार हो, लेकिन दूसरा पक्ष उतना ही अमानवीय और उतना ही यथार्थ का कह लीजिए बहुत ही विद्रूप चेहरा हमें उसमें दिखाई देता है। तो प्रथम विश्वयुद्ध और उपन्यास में जो बदलाव हुए, प्रथम विश्वयुद्ध शुरू हुआ और धीरे धीरे उसमें बदलाव हुए, उपन्यास के विषय वस्तु में बदलाव हुआ। असल में जो व्यापार था वो प्रमुख कारण था विश्वयुद्धों का, लेकिन दूसरी तरफ जो उपनिवेशों में शोषण के चलते निर्धनता बढ़ रही थी, जनता की परेशानी और उसमें असंतोष पैदा हो रहा था, वो भी एक कारण था। इस प्रकार से विभिन्न यूरोपीय पूंजीवादी देश इन उपनिवेशों को कच्चा माल देने वाले और किसी सीमा तक उत्पादित चीज़ों के बिकने का केंद्र मानते थे। ये पूंजीवादी देश एक दूसरे के उपनिवेशों को छीनने की फिराक में थे। इस तरह प्रथम विश्वयुद्ध पूंजीवादी देशों के बीच होने वाली आर्थिक प्रतिद्वंद्विता के कारण घटित हुआ। इसे हम इस विश्वयुद्ध का कारण जो है, पहले विश्वयुद्ध का ये आर्थिक प्रतिद्वंद्विता थी, आर्थिक झगड़ा था, आर्थिक वर्चस्व का झगड़ा था, उस कारण यह हुआ। और जवाब यह था कि उक्त समाजों की बहुसंख्यक जनता मुनाफे के तर्क से मुक्ति पाकर एक नए ढंग की व्यवस्था अपना सकती थी और जो कह लीजिए कि ज़्यादा समाज सापेक्ष होती। जाहिर है यह सच उस यथार्थवाद की अगली कड़ी था जिसे 19वीं सदी के उपन्यास ने समझा और उसे अपने स्वरूप में ढालने का काम किया है। इसलिए वह अपने मूल यथार्थवादी परिप्रेक्ष्य से एक ओर दूर रहा, दूसरी ओर उस सच्चाई के प्रति संकित भी है। हमें इस व्यापक पृष्ठभूमि में 20वीं सदी के उपन्यासकार को जब हम देखते हैं तो उसके नए रूप को हम देख सकते हैं, उसे पकड़ सकते हैं। तो इस रूप में हम कहें कि कॉनरेड इस विभाजन की राजनीति पर सोचते हैं और चाहते हैं कि क्या यह अच्छा हो कि मनुष्य मनुष्य के बीच कोई भेद न रह जाए, ये मिट जाए। और उन्होंने ही इस विरोध और संघर्ष की जो अवधारणाएं थीं उन पर विश्वास था और उस विश्वास को स्वयं कॉनरेड ने, पोलैंड में पैदा होने वाले कॉनरेड ने अपने युवावस्था में एक शरणार्थी के रूप में इन्होंने इंग्लैंड में बिताया था और वो अपने रचना में लगातार इस मनुष्य मनुष्य के भेद को खत्म करने के हिमायती नजर आए। और उनका जो एक तरह से इंग्लैंड के शासक वर्ग की परंपरागत विचारधारा भी उनको अच्छी न लगी। 20वीं सदी के पहले दशक में इंग्लैंड द्वारा अपने उपनिवेशों का शोषण भी उन्हें अनुचित प्रतीत होता था और वह सारे सवाल, वो सारी चिंताएं उनको एक तरह से उनके रचनाओं में आपको देखने को मिल जाएगी। वो चाहे अंधकार का हृदय हो, पश्चिमी नज़र के नीचे हो, खुफिया एजेंट और लॉर्ड जिम, ये जैसे शीर्षकों उपन्यासों में वो आपको दिखाई दे जाएगा। कॉनरेड बड़े प्रसिद्ध उपन्यासकार थे, यूरोप के कथा के जनक माने जाते हैं, आधुनिक यूरोपीय कथा के जनक कॉनरेड को कहा जाता है। और इसलिए आप देखिए कि इनकी जो विषय वस्तु थी वो चाहे अंधकार का हृदय हो, पश्चिमी नज़र के नीचे हो, खुफिया एजेंट और लॉर्ड जिम हो, इन सब उपन्यासों में उसी दोगलेपन या उसी अमानवीयता को दिखाया है। और बार बार इस तरह कोशिश की गई है कि मनुष्य मनुष्य के बीच में जो अंतर है, जो खाई है, वो किस तरह पट सकती है, इसके लिए बहुत बड़ा काम कॉनरेड कर रहे थे। आप देखिए अफ्रीकी लेखक चिनुआ अचेबे ने, अफ्रीकी लेखक हैं चिनुआ अचेबे ने कॉनरेड को नस्लवादी करार देते हुए उनकी तीखी आलोचना भी की है।
जो आज के संदर्भ में सही नहीं है। आप देखिए कि एक व्यक्ति जो इंग्लैंड में किसी तरह पल बढ़ के और फिर आगे आता है और अपने कथा चरित्र में अपने चरित्रों के माध्यम से कितने विशाल कैनवस को रचता है और किस मानवीय चिंता को केंद्र में लाता है, तो उसे यह कहना मुझे लगता है भूल होगी। यदि नस्लवाद था तो ऐसा नहीं था कि कॉनरेड उससे अवगत नहीं थे। उन्होंने 20वीं सदी के बाद के उपन्यासों में नजर भी आता है उन्हें कि वह किस तरह सामाजिक राजनीतिक संदर्भ से को रेखांकित करते हैं। मुझे आप देखिए कि आधुनिकता जो आधुनिक यूरोपीय उपन्यास धीरे धीरे जो आधुनिकतावादी होता गया उसके जनक के रूप में आप इनको देखते हैं कॉनरेड को, और वह आधुनिकतावाद अतीत के साथ कोई संबंध नहीं स्वीकार करता सिवाय यह कहने कि वर्तमान से पहले का सब कुछ अप्रासंगिक अनुपस्थित और गलत है। यह आधुनिकतावादी दर्शन धीरे धीरे 20वीं सदी के उपन्यास को अपनी गिरफ्त में लेता गया और कुछ उपन्यासकारों की मदद से आधुनिकतावादी कथा का रूप हमें समझ में आता है। आप उसे देखें, एक बड़े रचनाकार हुए, उद्योगवादी का आलोचक कह लीजिए, उद्योगवाद का उदय, उद्योगवाद का आलोचक और उपन्यासकार कहा जाता है डी एच लॉरेंस को। डी एच लॉरेंस में जो लेखकीय चरित्र था वह कॉनरेड से थोड़ा भिन्न प्रकार था। कॉनरेड जो थे वो राजनीतिक पूर्वाग्रहों को अपनी छाया के बावजूद उपन्यासों में बदलते सामाजिक यथार्थ को देखकर रचते थे, लेकिन डी एच लॉरेंस जो थे उनका आग्रह था कि मनुष्य को सभ्यता और इतिहास ने विकृत किया है। उन्होंने कहा है कि मनुष्य को किसी अन्य चीज ने विकृत नहीं किया, जबकि मनुष्य को हमारी सभ्यता और हमारे इतिहास ने विकृत किया है। लॉरेंस लॉरेंस के मुताबिक मनुष्य की समस्याओं का मूल कारण जो है उसकी तर्कशीलता है। तर्कशीलता ने ही मनुष्य को उद्योग और उत्पादन के लिए प्रेरित किया और तर्कशीलता ने उसे नकारात्मक अर्थ में आधुनिक भी बनाया। जो अगर आप गहराई से देखें तो वो सही कह रहे हैं कि जो हमारी तर्कशीलता है वही हमें अनेक तरह के उत्पादन और उद्योगों से भी जोड़ती है, अनेक तरह के विकासात्मक उपाय भी कराती है और हमें एक तरह की नकारात्मकता से भी भरती है, जो आधुनिक कह लीजिए, आधुनिक जिसने हमें आधुनिक बनाया। तो लॉरेंस इस चिंता से बहुत आहत थे और उन्हें यह पता था यदि मनुष्य अपनी आधारभूत शक्ति को समझता, अपने भीतर पैठ कर देखता तो उसे मालूम होता कि सही अर्थवत्ता का स्रोत वह नहीं है। इस तरह मनुष्य का शत्रु उद्योग, तर्कशीलता और इतिहास दृष्टि को वो मानते हैं। तो इस तरह से हमें आप देखिए कि उन्होंने अपने लॉरेंस ने अपने बड़े प्रसिद्ध उपन्यास बेटे और प्रेमी में वे उद्योगों को मशीन, कोयले और खनिज से सुनियोजित व्यवहार से जोड़ते हैं। जो आप बेटे के पात्र के रूप में आधुनिक मनुष्य का त्रास जिसमें नजर आता है आप देखिए। दूसरा इनका उपन्यास है लॉरेंस का इंद्रधनुष, और तीसरा जो आप सब लोग जानते होंगे लेडी चैटरली का प्रेमी, ये बड़ा चर्चित और पढ़ा जाने वाला उपन्यास है। ऐसे उपन्यासों में हमें वह दिखाई देता है कि वो पूंजीवादी समाजवादी जो जो पूंजीवादी उत्पादन के जो साधन थे और समाजवादी जो चिंतन था वह आपको उनके बेटे और प्रेमी उपन्यास में, इंद्रधनुष, लेडी चटर्ली का प्रेमी आदि उपन्यासों में उसे हम देख सकते हैं। एक तरह का ये आधुनिकतावादी दर्शन था जो लॉरेंस के चिंतन से और उनके उपन्यासों से उभर कर हमारे सामने आता है। और एक उस समय सबसे महत्वपूर्ण यूरोप में 20वीं शताब्दी में उपन्यास लेखन में मनोवैज्ञानिक धरातल पर कुछ उपन्यास लिखे गए, और उन मनोवैज्ञानिक उपन्यासों में जो दो नाम सबसे ज़्यादा लिए जाते हैं वो हैं जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ। 20वीं सदी के आधुनिकतावादी उपन्यास का जो मनोवैज्ञानिक आयाम था वो जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ की रचनाओं में देखने को मिलता है। अब यह मनोवैज्ञानिक जो आयाम है वह यथार्थ मनुष्य के बाहर उस तरह नहीं रहता जिस तरह वह अंदर रहता है। इनका कहना यथार्थ बाहर नहीं है मनुष्य के, वह अंदर है। यथार्थ को इन्होंने मानसिक व्यापार कहा और उसको उस अंदर की अभिव्यक्ति कहा
और उसे कहा, अंदर का यथार्थ न केवल बाहर के यथार्थ की तस्वीर है, बल्कि उन भावनाओं और प्रतिक्रियाओं का भी परिचायक है जो व्यक्ति इस भांति गहरे अर्थ में मानवीय होता है। तो आप देखिए, चाहे यूलिसीज में जैसे उपन्यास में आप देखिए, जो सामान्य यूरोपीय व्यक्ति जिसका नायक है यूलिसीज उपन्यास में, आप देख सकते हैं कि वर्जीनिया वुल्फ ने किस तरह से उस पीड़ा को, उस मानसिक संतरास और यातना को उस तरह से बयां किया है। 19वीं सदी के विवेकवान सोच से अलग तर्कविहीन रहस्यमय रहस्य धर्मी और व्यक्ति के अंदर जो सोच थी वह युद्ध के बाद की विभीषिका के रूप में धीरे धीरे बढ़ती जाती है और धीरे धीरे साम्राज्यवाद के सीधे प्रभाव में जो उपन्यास हमें दिखाई देता है वो आप किपलिंग को आप देख सकते हैं। किपलिंग ने अपने प्रसिद्ध उपन्यास किम में भारतीय पात्रों की मानसिकता को समझने में कह लीजिए कि इसकी असफल कोशिश की है उन्होंने। और आपने देखिए कि आपने नाम सुना होगा ईएम फॉस्टर्स का, साम्राज्यवादी जो समझ है उसे समझने के लिए यह उपन्यासकार ईएम फॉस्टर्स बड़े महत्वपूर्ण है। इनका एक उपन्यास है ए पैसेज टू इंडिया, ए पैसेज टू इंडिया ईएम फॉस्टर्स। यह उपन्यास उस साम्राज्यवादी समझ को विकसित करने में, उस साम्राज्यवादी समझ को आपको समझाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इस उपन्यास में लेखक ने अपनी प्राथमिकता को भूलकर साम्राज्यवादी नौकरशाही और औपन्यासिक समाज को आमने सामने रखा है। ये पैसेज टू इंडिया का एक अन्य प्रमुख ब्रिटिश पात्र भारतीय मनीषा का कायल है और प्रायः अपने में मग्न रहता है। यह जो पैसेज टू इंडिया का पात्र है वह नारी पात्र है, धीरे धीरे हिंदुस्तानी जनता के बीच लगभग पूजा जाने लगता है। आप देखिए कि वह पात्र कीर्तन, कृष्ण पूजा आदि भी आवश्यक रूप से करने लगता है। इस तरह उदार मानवतावाद के असर में पनपने वाले फॉस्टर्स के सार्वभौमिक मूल्य अनेक तरह से अप्रासंगिक भी प्रतीत होते हैं। उधर जर्मन, फ्रांसीसी और रूसी उपन्यासों में बिखराव नहीं है जो बिखराव इधर आपको दिखता है। अब जो बात हमने अमेरिकी उपन्यासों से, जर्मन उपन्यासों के संदर्भ में की थी, काफ्का की बात की थी, इस संदर्भ में काफ्का की कैसल और मेटामॉर्फोसिस जैसी कृतियां आती हैं जो आलोचना में एक तरह से सही भी हैं और नहीं भी हैं। तो वह मेटामॉर्फोसिस जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण कह लीजिए कि वो संवेदनहीनता अपनी कृतियों में, जिस प्रकार से काफ्का ने पूंजीवादी संरचना को अदृश्य और बेहद संवेदनहीन वस्तु के रूप में प्रस्तुत किया है वह बहुत महत्वपूर्ण है, जो आज भी हम जिस पर अनेक बार चर्चा करते हैं। जर्मन उपन्यास के दूसरे महत्वपूर्ण स्वर टॉमस मान, महत्वपूर्ण स्वर जो दिखता है वो टॉमस मान का है, जिन्होंने मैजिक माउंटेन उपन्यास लिखा जिसमें पात्रों के संबंध में बेचैनी और गहरे असंतोष को व्यक्त करते हैं। लुकाच ने इस नजरिए को बहुत महत्वपूर्ण माना है। आप आलोचना के क्षेत्र में लुकाच से आलोचनात्मक यथार्थवाद की भी संज्ञा देते हैं। तो इस रूप में तीसरी दुनिया के 7वें 6वें दशक में दिखाई देने वाला, आप देखिए कामू का प्लेग हो, अजनबी हो, सार्त्र का उपकाई उपन्यास हो, तो सार्त्र का जो उपकाई उपन्यास है या कामू का प्लेग और अजनबी है, इन सब में वो तीसरी दुनिया की अमानवीय तस्वीर उभरती है। ये उपन्यासकार अपने उपन्यासों में अस्तित्व के प्रश्न को दिखाते हैं और विशेषकर धीरे धीरे बहे दोन में उपस्थित आपको सारे सवाल देखने को मिल जाते हैं। शोलोखोव का उपन्यास है धीरे बहे दोन में, आप उस विश्वयुद्ध की वास्तविकता को देख सकते हैं जिसका मानवीय चेहरा आपको उस समय के साहित्य में दिखाई देता है। तीसरी दुनिया के अन्य उप आज तीसरी दुनिया की जो बात की जा रही है उसमें बहुत सारे उपन्यासकार धीरे धीरे हुए जिन्होंने निर्धनता, लातिनी अमेरिकी बीमारी, असमानता, कुटिलता, स्वार्थपरकता को बताया। आप गैब्रियल गार्सिया मार्केज को इस रूप में सबसे बेहतर रूप में जानते हैं, जिनको पढ़ सकते हैं। मार्केज के उपन्यास का शीर्षक है हैजे की बीमारी के दिनों में प्रेम। इस उपन्यास में उस यथार्थवाद की तरफ
उस यथार्थवाद को देख सकते हैं जो उस समय के तत्कालीन समाज में आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से लातिनी अमरीकी अफ्रीकी उपन्यासों में भी यही समस्या और यही चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। अंत में 20वीं सदी के उपन्यास का एक अन्य रूप जो वर्तमान में हमें दिखाई देता है वो आधुनिक विचारधारा का प्रतिफल है। कथा लेखन का यह महत्वपूर्ण रूप औपनिवेशिक समाजों के उच्च मध्य वर्ग में पनपा है और इस कथा लेखन की भाषा जो है वह अंग्रेजी है। आप देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय उपन्यासों की तस्वीर आज हमारे सामने अंग्रेजी भाषा के माध्यम से आने लगी है। चाहे V.S. नायपाल हों, सलमान रश्दी हों, रोहिंगटन मिस्त्री हों, इन सब ये सब इसी श्रेणी के लेखक हैं। इनको एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय उपन्यासकार के रूप में जानना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय उपन्यास की भाषा अंग्रेजी में लिखने वाले ये लोग हैं। इस उपन्यास लेखन की सबसे बड़ी सीमा यह है कि यह बेहद अकादमिक और स्वयं को संचार माध्यम शिक्षा संस्थान आदि की मदद से पाठकों के साथ जोड़ती है, लेकिन इनके बावजूद भी इनकी रचनाशीलता, इनकी रचना धर्मिता अपने समय, समाज और परिस्थितियों को उभारने वाली हैं, परिस्थितियों को रचनात्मक रूप से जानने वाली हैं। उसे भी हमें देखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर ये पूरा वैश्विक परिदृश्य हमने इन 4 इकाइयों में पढ़ा, जिसमें विश्व के परिदृश्य में हमने उपन्यास विधा का उदय और इंग्लैंड की लोकतांत्रिक क्रांति और फिर फ्रांस और यूरोप के संबंध में हमने देखने की कोशिश की। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि यह एक वैश्विक जगत में जो उपन्यास है उसको, उस समझ को हमें हमारे सामने लाता है और इसे हमें समझना चाहिए। तो अभिषेक जी, इसके संदर्भ में अगर आपके कोई सवाल हो, नमस्ते बैठिए, तो आइए बैठिए, कोई सवाल हो तो बताइए। जी सर, विद्यार्थियों से मैं आग्रह करूंगा कि उनके जो प्रश्न हो वो यहाँ पे लिख करके आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे। सर, दो तीन प्रश्न हैं जो विद्यार्थियों ने रखे हैं। सर हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। जी सर, आ रही है, आ रही है। सर, दो प्रश्न हैं विद्यार्थियों ने रखे हैं, मैं उससे पहले आपके समक्ष रखता हूँ। अर्चित जी, पहला प्रश्न पूछते हैं कि उपन्यास का उदय पहले फ्रांस में हुआ या यूरोप में हुआ था? उपन्यास का उदय सबसे पहले यूरोप में हुआ था, फ्रांस में बाद में हुआ। फ्रांस में उपन्यास का उदय फ्रांस में बाद में आया, पहले यूरोप में हुआ। और यूरोप में क्या, जो इंग्लैंड की क्रांति थी 1642 में, उसका उस एक तरह से वहाँ इसका उदय माना जाता है, लेकिन फ्रांस में इसका विस्तार हुआ। फ्रांस में बहुत बड़ी परंपरा उपन्यासकारों की रही और उसका विस्तार फ्रांस में हुआ। जी 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 सर, धन्यवाद दूसरा सर। सवाल मैं पढ़ रहा हूँ, मनोवैज्ञानिक उपन्यास का विशेषता क्या है? तो जी सर, मनोवैज्ञानिक उपन्यास, जैसे वर्जीनिया वुल्फ ने कहा कि मनो यथार्थ जो है वो हमारे बाहरी मतलब बाहरी आवरण में, बाहरी संरचना में दिखाई देता है, लेकिन जो यथार्थ बाहर नहीं है, यथार्थ हमारे मानसिक संरचना में भी है, हमारे अंदर भी है। तो जिस यथार्थ की अभिव्यक्ति हमारे आंतरिक आयाम में घटित होती है, वो ऐसे उपन्यास मनोवैज्ञानिक उपन्यास कहे जाते हैं। आप देखिए कि जो अस्तित्ववादी जितने उपन्यास हैं वो सब मनोवैज्ञानिक उपन्यास हैं। जितने भय त्रास पीड़ा की मनोवैज्ञानिक मनोविश्लेषणवादी जितने उपन्यास हैं अपने भारत के संबंध में, चाहे इलाचंद जोशी हो या आगे का भी अनेक उपन्यास जो है मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। तो कुल मिला के जो यथार्थ है वह अगर मानसिक रूप से हमारे सामने आने लगे तो वह उस यथार्थ की अभिव्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से होगी और वह मनोवैज्ञानिक उपन्यास की विशेषता कही जाएगी। जी सर। सर, और एक प्रश्न उसी के साथ नीचे अर्चित जी ने पूछा है कि 19वीं सदी और 20वीं सदी के उपन्यास में क्या सामंजस्य है? सामंजस्य क्या है? ये एक दूसरे के, कह लीजिए कि 19वीं सदी के जो उपन्यास थे, खासतौर से फ्रांस और रूस के उपन्यास, वो बड़े कह लीजिए प्रतिष्ठित उपन्यास थे और उपन्यास विधा को परिपक्वता देने वाले थे। लेकिन 20वीं शताब्दी में जो उपन्यास आए वो उपन्यास युद्ध और इसकी त्रासदी और उस युद्ध की विभीषिका और उसकी मनस्थिति के उपन्यास थे, लेकिन अपने पूरे परिदृश्य में 19वीं शताब्दी के जो उपन्यास थे 20वीं शताब्दी के उपन्यासों में आकर उन्होंने विस्तार पाया।
उन लेखकों ने बहुत कुछ 19वीं शताब्दी के लेखकों से और रचनाओं से ग्रहण किया, तो कह सकते हैं कि जो विकास है, सामंजस्य तो है ही, इसमें एक विकास प्रक्रिया भी हमें देखने को मिलती है। 19वीं सदी में जो उपन्यास का जो एक स्वरूप विकसित हुआ, उसका और अत्यधिक विस्तार और विकास 20वीं शताब्दी में हुआ है। जी सर, जी सर, निश्चित तौर पर सर। सर एक और दोस्त, अंतिम प्रश्न है, जी सर आप देख ही हाँ पा रहे हैं। हाँ दोस्तोवस्की के उपन्यास की क्या विशेषता है? मैंने कहा दोस्तोवस्की जो है वो सबसे पहली बात उनकी चिंता ये रहती है कि मनुष्य को केंद्र में रखते हैं, और दूसरी दोस्तोवस्की ने प्रकृति को, उन्होंने कहा है कि मनुष्य को सीधे सीधे कथा में लाना ठीक नहीं है, इससे मनुष्यता की हानि होती है। उन्होंने कहा कि हम एक रहस्य के रूप में मनुष्य को ला सकते हैं, यानी रहस्यात्मक और कल्पना प्रसूत कथाओं के माध्यम से मनुष्य के चरित्र का उद्घाटन करते हैं, या उनकी सबसे बड़ी विशेषता है। वह मनुष्य को सीधे सीधे नहीं लाते उपन्यासों के विषय वस्तु में, मनुष्य को सीधे सीधे न लाने का उनका कारण था, वो कहते थे कि मनुष्य चरित्र अगर स्वयं उपन्यास में आता है, यथार्थ चरित्र आता है, तो यह मनुष्यता की हीनता होगी। अगर कोई मनुष्य अपराधी है तो उसे रहस्यात्मक रूप में दिखाना ज्यादा अच्छा है, सामान्य रूप में अगर किसी को आप अपराधी कहते हैं तो यह मनुष्य की हीनता है। तो इस रूप में दोस्तोवस्की ने सबसे बड़ा काम ये किया, वो जो एक तरह का, लेकिन ध्यान रहे कि उनका रहस्यवाद कल्पना आधारित नहीं था, वो रहस्यवाद भी यथार्थ परक रहस्यवाद था। तो इस रूप में दोस्तोवस्की का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, उन्होंने यथार्थवादी रहस्यवाद की परिकल्पना की। जी 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 सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर इसके इतर तो सर आप कोई प्रश्न नहीं है, और अगर कुछ प्रश्न अगर इसके इतर भी आएंगे तो मैं निश्चित तौर पर प्रश्न आप तक संप्रेषित कर दूंगा। ठीक है सर, अगली कक्षाओं में फिर बात होगी, और बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, और फिर मिलते हैं। जी जी सर, निश्चित तौर पर सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर आपका अपना समय देने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आप सबों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अच्छा लगता है जब आपके प्रश्न आते हैं, आपकी जिज्ञासा आती है, वो दूर की जाती है, तो निश्चित तौर में अपने आप में बहुत अच्छा लगता है। इसी के साथ ये कक्षा यही समाप्त होती है। आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद, धन्यवाद अपना समय देने के लिए। निशांत जी को धन्यवाद, जो आज हमारे तकनीकी सहयोगी है, उनको तहे दिल से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप विद्यार्थियों का धन्यवाद। इसी तरह आप लोग निरंतर पढ़ते रहिए, अपने द्वंद्व दुविधा प्रश्न रखते रहिए, और आपके जो भी जिज्ञासा हो या मुझसे कुछ अपनी बात पहुंचानी हो तो वो भी आप इस माध्यम से, या चाहें तो आप पर्सनली भी मुझसे संपर्क करके अपनी बातें मुझ तक पहुंचा सकते हैं। मैं निश्चित तौर पर आपके बात का दुविधा का निदान करने का प्रयास करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, इस महामारी से बचाव रखिए, बचे रहिए, यही आशा के साथ एक अच्छा ही समाप्त होती है। धन्यवाद।